जोर से बोलो बम बोलेगी, प्रेम से बोलो जय बोलेगी। राहुल अखिलेश, हम लोग सबसे बड़ी कावड़ अपने गांव से लेकर जा रहे हैं। हमेशा हर साल हम लोग कावड़ यात्रा पर निकलते हैं और सबसे बड़ी कावड़ अपने गांव से लेकर निकलते हैं। देखो इस बार भी हम लोग कितनी बड़ी कावड़ लेकर चले हैं अपने घर से। मोदी जी आप सही कह रहे हो, बिल्कुल हर साल हम लोग बहुत बड़ी कावड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकलते हैं और अगले साल हम लोग और ज्यादा बड़ी कावड़ बनाएंगे और उस कावड़ को लेकर हरिद्वार के लिए जाएंगे। वहां से गंगा जल लाकर अपने गांव के शिव जी के मंदिर में अर्पित करेंगे गंगा जल को। वैसे मोदी जी जैसे ही सावन का महीना आता है मेरा तो दिल खुश हो जाता है और कावड़ यात्रा पर जाने के लिए मेरा मन व्याकुल होने लगता है। राहुल तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कावड़ यात्रा पर जाना तुम्हें ही पसंद है। अरे मुझे भी तो कावड़ यात्रा पर जाना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे कई साल से हम लोग सब लोग मिलकर कावड़ यात्रा पर एक साथ निकलते हैं और आसपास के गांव में इतनी बड़ी कावड़ कोई नहीं बनाता है जितनी बड़ी कावड़ हम लोग लेकर निकलते हैं। अखिलेश कैसे चुप हो, कुछ तो बोलो, तुम तो बिल्कुल चुपचाप चल रहे हो। जय बोलेगी मोदी जी। मोदी जी, राहुल जी आप तो ये समझ रहे हो जैसे कावड़ यात्रा पर जाना आपको ही पसंद है। अरे हर साल मैं सावन के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ और सावन का महीना आते ही कावड़ यात्रा पर जाने की तैयारी सबसे पहले मैं करने लगता हूँ, समझे। कावड़ यात्रा पर जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अरे केजरीवाल जी जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, बम बोलेगी जय बोलेगी। मोदी जी और अखिलेश, राहुल भाई ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी हरिद्वार पहुँचे, वहाँ पर ही जाकर अब ये मेरे कदम रुकेंगे। ऐसा लग रहा है हरिद्वार कितनी जल्दी पहुँचे और वहाँ से गंगा जल लाकर अपने गाँव के शिव जी के मंदिर में अर्पित करें जल को। बिल्कुल केजरीवाल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो इस बार मैं भी कावड़ यात्रा पर निकली हूँ और मुझे कावड़ यात्रा पर जाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो हर साल अब कावड़ यात्रा पर आपके साथ जाया करूंगी और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।